अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आई वेलकम यू ऑल इन द ऑनलाइन क्लास ऑफ एफ ई आई दिस यू आर साइंस टीचर फ्रॉम देयर सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक टुडे विच इज़ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट फ्रॉम द चैप्टर वेस्ट वाटर स्टोरी तो स्टूडेंट्स ये टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं इसका मतलब क्या होता है मतलब वाट इज वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट देखिए भाई जो कि मतलब वेस्ट वाटर में जो वेस्ट वाटर उसका ट्रीटमेंट करना मतलब जो इसको फिर से काबिल इस्तेमाल मतलब लाना ठीक है ना देखिए भाई जो भी वेस्ट वाटर में लाइक इंप्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं मतलब बाल्स का इंप्योरिटीज फिजिकल फ़िज़िकलपोरिटीज़ केमिकल मतलब बाकी ऐसी लाइक सैंड पार्टिकल्स होते हैं पेबल्स होते हैं, लाइक 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 लार्ज 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 पार्टिकल्स, क्या बहुत मतलब ऑब्जेक्ट्स, स्टिक्स वगैरह ऐसी चीजें होती है इनको क्या करना होता है? है ये इंप्योरिटीज़र इन, इस, इस सारी इंप्योरिटीज़ हैं इसको रिमूव कर दिया जाता है किन किन प्रोसेस से केमिकल प्रोसेस है बायोलॉजिकल प्रोसेस है फिजिकल प्रोसेस इसको रिमूव कर दिया जाता है दैट्स कॉल्ड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट ठीक है स्टूडेंट्स तो हम स्टार्ट करते हैं मतलब ये क्या होना हम कैसे कैसे सो कर सकते देखिए इसको पहले क्या किया जाता है देखिए आप ध्यान रखिएगा जो ये वेस्ट वाटर है ये इसको पास किया जाता है थ्रू बार स्क्रीन्स देखिए मैं आपको आप ध्यान में रखिए मैं आपको बोल क्या रही हूँ ठीक है पहले हमने ये पढ़ा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट क्या होता है जो कि इसमें इंप्योरिटीज़ होती है लाइक बायोलोजिकल इंप्योरिटीज़ वगैरह ऐसी ऐसी इंप्योरिटीज़ होती है उनको रिमूव कर दिया जाता है इसमें इस इसमें से बाई डिफरेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस केमिकल प्रोसेस फिजिकल प्रोसेस ठीक है ताकि इस को फिर से काबिल इस्तेमाल लाया जाए ठीक है ना फिर इसको फिर से यूज़ किया जाए ठीक है इसको बोलते हैं वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट अब इसके मतलब स्टेप्स होते हैं इसको कैसे किया जाता है ठीक है इसको कैसे फिर से काबिल इस्तेमाल लाया जाए तो पहला देखिए भी क्या करते हैं वेस्ट वाटर जो होता है इसको पास करते हैं इस पास थ्रू बार स्क्रीन्स बार स्क्रींस क्या होते हैं मतलब बार स्क्रीन ये एक्ट करता है एज अ मैकेनिकल फिल्टर मैकेनिकल फिल्टर एज एक्ट करता है ठीक है ना जो वेस्ट वाटर है इसको पास किया जाता है थ्रू बार स्क्रींस बार स्क्रीन मतलब ये क्या होता है एक किस्म का मैकेनिकल फिल्टर होता है ठीक है ना जब इस वेस्ट वाटर को पास किया जाता है बार स्क्रीन से फिर जो इस वेस्ट वाटर में लार्ज ऑब्जेक्ट्स होते हैं लाइक रैग्स होते हैं लाइक प्लास्टिक पैकेट्स होते हैं लाइक नैपकिन होते हैं ये रिमूव हो जाते हैं ठीक है स्टूडेंट्स ये रिमूव हो जाता है क्या हो जाता है जब ये वेस्ट वाटर को पास किया जाता है पहले स्टेप में क्या होता है जब इस वेस्ट वाटर को पास किया जाता है बार स्क्रीन से जो कि बार स्क्रीन क्या होता है ये एक मैकेनिकल फिल्टर होता है ठीक है ना इसको पास किया जाता है इस वेस्ट वाटर को इससे तो ये लार्ज ऑब्जेक्ट्स जो प्रेजेंट होते हैं इसमें लाइक प्लास्टिक पैकेट्स होते हैं नापकिनस होते हैं वगैरह तो ये क्या किया जाता है ये रिमूव कर दिया ये रिमूव हो जाते हैं इसमें से ठीक है स्टूडेंट्स ये है पहला स्टेप दूसरे स्टेप में क्या जाता है जो पानी है अब ठीक है ना ये जो पानी है ये दूसरे में चला जाता है लाइक like उसको बोलते हैं ग्रिट एंड सैड रिमोल आप अपनी टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं पिक्चर आपको दिखाई गई है आप देख सकते हैं इसको बोलते हैं ग्रिट एंड क्या बोलते हैं ग्रिट एंड क्या बोलते हैं सैंड रिमोल टैंक देखिए स्टूडेंट्स ये है ग्रिट एंड सैंड रिमोल टैंक ठीक है स्टूडेंट्स जब इसको पानी को इसमें मतलब लाया जाता है इस मतलब ग्रिट एंड सैंड रिमोल टैंक में फिर क्या हो जाता है जो इस वेस्ट वाटर देखिए मतलब पानी जब पहले स्टेप में क्या हो गया पहले स्टेप में इस बार स्क्रीन में से इसको पास किया गया इसमें एक लार्ज ऑब्जेक्ट थे वो रिमूव हो गए ना कि सारे ठीक है ना लार्ज ऑब्जेक्ट्स पर रिमूव हो गए फिर जब उसको वाटर को सैंड रिमोव टैंक में लाया गया ग्रिट एंड सैंड रिमूव टैंक में लाया गया इसमें जो वेस्ट वाटर में जो क्या हो गया जो सैंड प्रेजेंट था जो पेबल्स प्रेजेंट थे लाइक सैंड पार्टिकल्स पेबल्स प्रेजेंट थे वो नीचे ही रह गए ठीक है ना इसके बाद ये दूसरे स्टेप में जो इसमें ये थे पेबल्स थे सैंड पार्टिकल्स थे ठीक है ना वो नीचे ही रह गए ठीक है ये है दूसरा स्टेप तीसरे स्टेप में क्या होता है फिर वाटर जो है ये पानी जो है फिर इसको लाया जाता है एक बड़े वाले टैंक में इस एक बड़े वाले टैंक में लाया जाता है ठीक है ना फिर उसमें जो प्रेजेंट होते हैं सॉलिड लाइक सॉलिड्स प्रेजेंट होते हैं लाइक फीसिस जिसको बोलते हैं फीसेस होते हैं प्रेजेंट इसमें ठीक है वो कहाँ रहते हैं वो बॉटम पे ही रहते हैं आपको याद रखना है जो तीसरे स्टेप में क्या होता है वो जो, जो पानी है फिर इसको एलो किया जाता है एक लार्ज टैंक में बड़े वाले टैंक में लाया जाता है फिर क्या हो जाता है इसके बाद जो सॉलिड्स प्रेजेंट होते हैं इसमें लाइक like, फीसेस वो बॉटम पे ही रहते हैं ठीक है ना वो बॉटम पे ही रहते हैं और फिर इनको रिमूव कर दिया जाता है एक मतलब एक ऐसा ही चीज़ होती है इसको स्क्रैपर बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको स्क्रैपर एस सी आर ए पी ई -E आर जो सॉलिड फीसेज लाइक होते हैं ये बॉटम पे रहते हैं फिर इनको रिमूव कर दिया जाता है एक चीज़ है इसको स्क्रैपर बोलते हैं ये सब जो होते हैं ना ये सॉलिड लाइक फीस वगैरह इसको स्लज बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको स्लज बोलते हैं ठीक है फिर क्या होता है एक दूसरी चीज़ होती है जिसको स्किमर बोलते हैं ठीक है एस के आई एम एम ई आर जिसको स्किमर बोलते हैं वो क्या करता है वो रिमूव करता है क्या करता है वो रिमूव करता है जो इस पानी पे जो फ्लोटेबल सॉलिड्स होते हैं ना लाइक ऑयल ग्रीस वगैरह ये इनको रिमूव करता है फिर जो वाटर है वो क्लियर हो जाता है ना कि पूरा क्लियर हो जाता है कुछ कुछ हद तक क्लियर हो जाता है ठीक है फिर उसके बाद क्या होता है? अब जो स्लज है जो स्लज है इसको ट्रांसफ़र किया जाता है एक सेपरेट टैंक में स्लज को क्या किया जाता है ट्रांसफ़र किया जाता है एक सेपरेट टैंक में ठीक है जहाँ पे डिकम्पोज हो जाता है एक एनो किससे डिकम्पोज हो जाता है इसको एनारोबिक बैक्टीरिया डिकम्पोज होता जो कहाँ पर देखिए जो स्लज है जब वो ट्रांसफ़र हो जाता है एक सेपरेट टैंक में किया जाता है वहाँ पे डिकम्पोज हो जाता है किससे एक एनारोबिक बैक्टीरिया से डिकम्पोज हो जाता है फिर उस प्रोसेस से क्या होता है बायोगैस बनता है बायोगैस बनता है इस प्रोसेस से फिर बायोगैस बनता है जो कि मतलब यूज किया जाता है एज अ फ्यूअल फिर वो किसके लिए यूज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी जिससे प्रोड्यूस हो जाती है या तो हीट प्रोड्यूस हो जाती है या तो या और प्रोड्यूस हो जाती है ठीक है देखिए स्टूडेंट्स अब क्या हो गया अब जब बायोगैस प्रोड्यूस हो गया इस प्रोसेस से फिर जो एज ए फ्यूल यूज़ हो गया जिसकी क्या हो गया जिससे जो इलेक्ट्रिसिटी वो प्रोड्यूस हो जाती है उसके बाद एरिएशन प्रोसेस हो जाता है मतलब इसमें एयर क्या करते हैं एयर को पंप करते हैं इन वाटर ठीक है ना फिर उससे क्या होता है उसकी मदद से क्या होता है एरोबिक बैक्टीरिया जो है वो ग्रो हो जाती है उधर पर एनरोबिक बैक्टीरिया था इससे पहले वाले स्टेप में एनरोबिक बैक्टीरिया था जिसने मतलब जो डिकम जिसने डिकम्पोज किया था इधर पर एरोबिक बैक्टीरिया है ठीक है ना वो ग्रो हो जाती है इसकी वजह से फिर क्या हो जाता है जो ये बैक्टीरिया है वो कंज्यूम करती है लाइक ह्यूमन वेस्ट कंज्यूम करती है फूड वेस्ट कंज्यूम करती है सोप्स वगैरह जो कि जो भी अनवॉन्टेड मैटर इसमें प्रेजेंट होता है फिर कुछ घंटे बाद क्या हो जाता है ये जो माइक्रोब्स हैं ये बॉटम पे रहते हैं ये टैंक के बॉटम पे रहते हैं ठीक है ना ये फिर बॉटम के टैंक पे रह जाते हैं फिर जब बॉटम के टैंक के बॉटम पे रह जाते हैं ठीक है ना एज एक्टिवेटेड स्लज ये रहते हैं टैंक के बॉटम पे फिर जो टॉप पे जो पानी है उसको निकाला जाता है ठीक है ना फिर जो भी निकाला जाता है भाई मतलब डिफरेंट मशीन से निकाला जाता है ड्राइंग बैड्स और मशीन ठीक है ना और जो फिर स्लज होता है नीचे बॉटम टैंक के बॉटम में जो स्लज होता है जो ड्राई स्लज होता है फिर उसका यूज़ किया जाता है एज ए मैन्योर ठीक है ना एज नाज़ रिटर्न ऑर्गेनिक मटीरियल वगैरह जो न्यूट्रिय सॉइल को पहुंचाते हैं उसके लिए यूज होता है जो वो बाकी पानी है जो कि क्लियर हो गया था उसको फिर मतलब बाकी पर्पज के लिए यूज किया जाता है जो कि मैंने आपको ऑलरेडी लेक्चर में क्लियर किया हुआ है ठीक है स्टूडेंट्स तो ये था वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट मतलब वो क्या होता है आई होप आपको समझ आ गया होगा इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन कोई भी प्रॉब्लम होगा आप मुझे टेक्स्ट या कॉल कर सकते हैं अल्लाह हाफिज